ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाख प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दबंग माफिया अवैध वसूली करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। इनके खिलाफ कितनी भी सख्त कार्रवाई हो जाए, लेकिन बिसरख पुलिस दबंग माफिया अवैध वसूली करने वाले अवधेश कुमार भाटी को खुला संरक्षण प्रदान कर रही है। सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी गेट नंबर 3 पर बिसलक ग्रेटर नोएडा पर लगने वाली साप्ताहिक बाजार में वेंडर्स के द्वारा यहाँ पर अवैध वसूली करने, मारपीट, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी की लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके बावजूद भी आज तक बिसरख पुलिस के द्वारा इसकी ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टे अवैध वसूली की शिकायत करने वाले दुकानदार को पिछले कई सप्ताह से दुकानें नहीं लगाने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित वेंडर्स ने आज फिर पथ विक्रेताओं, दुकान कर्मकार यूनियन, गौतम बुद्ध नगर के महामंत्री व सीटू जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, सचिव राम स्वास्थ्य किसान सभा के अध्यक्ष के सहित कई लोगों की मौजूदगी में आज पुलिस कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने यहां पर पुलिस नोएडा से मुलाकात करी और अपने भेदभावपूर्ण किए जा रही कार्रवाई का उन्होंने विरोध किया है और इसके संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया कि यदि आप उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, प्रार्थना पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। सुपरटेक सोसाइटी इको विलेज बिसरख में जो है साप्ताहिक बाजार जो लगता है, उस बाजार को अवधेश भाटी और पुलिस के सहयोग से जो है बंद कराया। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी पुलिस ने अवधेश भाटी के साथ मिलकर के आधे दुकानदार जो उनको अवैध उगाही दे रहे हैं उनका बाजार लग रहा है। जिन लोगों ने अवैध उगाही का विरोध किया उनका बाजार जो लगने नहीं दिया जा रहा है। इस मसले को लेकर CIT और किसान सभा के नेतृत्व में वेंडर्स ने DCP से मुलाकात किया है, उनके सामने जो तमाम मुद्दों को रखा है। हमारे बीच में किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा जो बातचीत में शामिल थे और जो बातचीत हुई उसके बाद हम अभी जो अपने वेंडर साथियों के साथ DCP मैडम से मिले हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनकी हमारी यूनियन है और हर आदमी को इस देश में अपने हितों के लिए यूनियन बनाने का हक है और जो यूनियन हमने बनाई है वो अवैध उगाही को रोकने के लिए बनाई है, परंतु वहाँ पर कुछ स्थानीय गुंडे और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर के वहाँ उगाही चल रही है। गरीब आदमियों का शोषण किया जा रहा और इस शोषण के खिलाफ C2 है और इस शोषण के विरोध में यूनियन बनी है और इस शोषण को बंद कराने का काम करने के लिए हमने DCP मैडम से शिकायत की है और DCP मैडम ने कहा कि इसमें हम न्यायोचित कार्रवाई करेंगे और जो भी वहाँ अवैध उगाही करेगा उसके खिलाफ जो हम कार्रवाई कानूनी करेंगे। तो हमारा यही कहना इसमें कि C2 जो है वो हमेशा मजदूरों के हकों के लिए काम करती है और C2 की जो यूनियन है वो भी मजदूरों के हितों के लिए काम करती है और किसी भी तरह का संरक्षण किसी भी सरकारी एजेंसी को ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो गैर कानूनी काम करता। इंकलाब जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद।